जाखल से स्कूल हेडमास्टर पर गंभीर आरोप लगे हैं। हेडमास्टर पर छेड़छाड़ का आरोप लगा है, बेहद ही गंभीर मामला। परिजनों ने की है हेडमास्टर की जमकर धुनाई। पुलिस ने आरोपी हेडमास्टर को हालांकि गिरफ्तार कर लिया है। जाखल से बड़ी खबर आपको बता दें, शिक्षा के मंदिर में चौंकाने वाला और बेहद ही गंभीर मामला सामने आया है, जहां पर एक हेडमास्टर पर छात्रा से छेड़छाड़ के आरोप लगे हैं। हालांकि स्कूल हेडमास्टर को पुलिस ने गिरफ्तार जरूर कर लिया है। परिजनों ने इस दौरान मौके पर पहुंचकर जमकर धुनाई भी कर दी आरोपी हेडमास्टर की। जाखल से बड़ी और अहम खबर, तो मौके पर मौजूद परिजनों और आसपास के लोगों ने, ऐसा मामला मैं 10 साल से प्रधान हूँ, चल रहा हूँ, आज तक कभी नहीं देखा। बच्चों का और स्टाफ का बहुत बढ़िया प्यार था। ये मास्टर जी 1.5-2 महीने से नए नए आए हैं, आते ने कोई ऐसी हरकत की है जो कि हमारी नज़र में नहीं आई थी अभी तक। यदि आई है तो प्रशासन को, इनके डिपार्टमेंट को और पुलिस को इनके ऊपर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि आगे के लिए ऐसा माहौल खराब ना हो। लड़की सरकारी स्कूल में पढ़ती है, इस इन लड़कियों के साथ अत्याचार हो रहा है। इनको अंदर बुला के मास्टर इनके कपड़े चेक करता है, कभी आगे कभी पीछे हाथ मारता है। ऐसे मास्टर को किसी भी स्कूल में जगह नहीं मिलनी चाहिए। ऐसे मास्टर को प्रॉब्लम हो करके गाँव के सारे गेड़े निकालने चाहिए ऐसे मास्टर को। इसके खिलाफ जो डिपार्टमेंटली कार्रवाई खुलनी चाहिए और इसकी जांच होकर इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि आगे से विस्तार में कोई ऐसा टीचर अध्यापक ना कर पाए। क्योंकि टीचर जो होता है वो बच्चे का पेरेंट्स होता है। हमारे बच्चे स्कूल में जाते हैं, उसके बाद टीचर है जो बच्चे के पेरेंट्स की भूमिका निभाते हैं। तो सुना आपने किस तरह से पूरी घटना पेश आई है। पवन अरोड़ा जाखल से हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। पवन, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, आरोपी हेडमास्टर को जांच पड़ताल कहां तक पहुंची है? ऐसे है कि इसको कल ही गिरफ्तार कर लिया था, तो लोगों ने जैसे ही भीड़ को देखकर पुलिस के, उन्होंने अपने जो आरोपी था उसको छुड़वाने का प्रयास किया। उसको एक बार छुड़वा कर उसकी पिटाई भी की, मगर उसको पुलिस अब थाने में ले गया। उसको आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। लेकिन पवन, क्या बताया क्या जा रहा है आखिरकार? चूंकि परिजनों का कहना है कि छात्राओं से छेड़छाड़ आरोपी हेडमास्टर करता था, कब ज्वाइनिंग हुई थी और पहले भी क्या इस तरह की शिकायतें मिली थी? ये पहले अभी कई बार था, अभी हिसार से ये 2 महीने पहले ही यहाँ पहुंचे आए हैं। तो अभी इनकी पहली जो है, इनको पहले जो पेरेंट्स है उनके बच्चों ने पहले कहा था, इसको समझाया, मगर ये नहीं माने। तो इन्होंने बच्चों ने अपने पेरेंट्स को बताया, जैसे पेरेंट्स को पता चला तो पेरेंट्स ने इकट्ठे होकर वहां से बात करने चाहिए, तो वहां जाकर मामला बिगड़ गया। तो वहां इनके हाथापाई तक नौ बता चुके, वहां पुलिस को मौके पर बुलाया गया, पुलिस ने इसको गिरफ्तार कर लिया गया है और इसके ऊपर धारा के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। चलिए, शुक्रिया पवन इस तमाम बातचीत और जानकारी साझा करने के लिए। तो पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है और साफ तौर पर लोगों में काफी ज्यादा आक्रोश है इस पूरी घटना के बाद और सख्त कार्रवाई की मांग की गई है लोगों की ओर से।